नरेंद्र मोदी सरकार हिंदुस्तान में इतिहास में सबसे ज्यादा किसान विरोधी सरकार। वी आर गोइंग टू फाइट अंटिल वी विन फॉर 300 रुपीज पर किलो फॉर रबर, दैट इज आवर राइट एंड वी शैल नॉट गिव इट अप अंडर एनी कंडीशन। अदानी अंबानी के पीछे पीछे लेके घूम रहा है, जहाँ घूमने जाता है वो अदानी के साथ लेके जाता है। वी आर गोइंग टू फाइट फॉर द कैंसलेशन ऑफ ऑल द फ्री ट्रेड एक्ट विथ एशियन एंड अदर कंट्रीज इन द क्राइम ऑफ विच बोथ द कांग्रेस एंड द बीजेपी आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल। नमस्कार दोस्तों, मैं रवि कौशल और आप देख रहे हैं न्यूज़ क्लिक। आज से 2 साल पहले जब देश की राजधानी में किसान आंदोलन चल रहा था तो मोदी सरकार के कई समर्थकों ने ये कहना शुरू किया कि किसानों को नकदी फसलें उगानी चाहिए, इससे वे ढेर सारा मुनाफा कमा पाएंगे। आज हम दिल्ली के जंतर मंतर पे हैं, जहां देश भर से रबड़ के किसान आए हैं और वो बता रहे हैं कि सरकार और कॉरपोरेट ने मिलकर उनके साथ कैसी लूट की है। वे बताते हैं कि जो रबड़ आज से 12 साल पहले 250 रुपये प्रति किलो पे बिकता था, आज उसको 120 रुपए में कोई लेने वाला नहीं है। आखिर क्या है इन किसानों की मजबूरी और क्या है समस्याएं, इस पर हमने यहाँ के इन किसानों और नेताओं से बात की है। जब किसान आंदोलन इस देश में चल रहा था तब अक्सर ये बात कही जाती थी कि किसानों को कैश क्रॉप्स उगानी चाहिए ताकि उन्हें ज़्यादा मुनाफा होगा, लेकिन यहाँ पर आपका प्रदर्शन ये कह रहा है कि किसानों को मुनाफा नहीं हुआ। यहाँ पे जो रबड़ फार्मर आए हैं वो क्या मांगे लेके आए हैं, क्या हुआ है उनके साथ? किसानों को मुनाफा नहीं हुआ, उतना ही नहीं, 2011 में 1 किलो रबर को 230 रुपया जब मिलता था, आज 2023 में सिर्फ मात्र 120 रुपया मिल रहा है। मतलब प्रति हेक्टेयर 2011 में एक किसान जो लगभग 3.5 लाख उनका आमदनी होता था, आज वो 1,80,000 के आसपास है। मतलब इतना बड़ा एक लगभग 2 लाख का नुकसान प्रति हेक्टेयर एक किसान को, जो 2011 में मिलता था उससे लगभग 2 लाख का नुकसान हर हेक्टेयर में किसान को हो रहा है। दुख की बात है, नरेंद्र मोदी सरकार हिंदुस्तान में इतिहास में सबसे ज़्यादा किसान विरोधी सरकार है, किसान का दुश्मन के रूप में काम कर रहा है, किसान का कोई मांग मानने के लिए तैयार नहीं है, रेमुनरेट प्राइस देने के लिए तैयार नहीं है, कर्जा माफी के लिए तैयार नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी बिल करके और खर्चा बढ़ाने का साजिश कर रहा है और अदानी अंबानी के पीछे पीछे लेके घूम रहा है, जहाँ घूमने जाता है वो अदानी के साथ लेके जाता है और उसको लाइसेंस करवा देता है, परमिट करवा देता है विदेश से। जब आप बड़े कॉरपोरेट कंपनियों की बात कर रहे हैं, उसमें सीएट है, उसमें MRF है, उसमें अपोलो है, उसमें तमाम बड़ी कंपनियाँ हैं, इनका रोल किस तरीके का था, इनकी भूमिका किस तरीके की है रबर खरीदने में बेचने में, इसके बारे में थोड़ा बताओ। ये जो मोदी सरकार है या इससे पहले कांग्रेस के भी सरकार रहे हैं, उनका ये रवैया रहा है कि यहाँ के किसानों का रबर का दाम कम रहे ताकि उनके चहेते जो है जो बड़े कॉरपोरेट कंपनियाँ MRF अपोलो सीएट वगैरह उनको मुनाफा कमाने का एक मौका हो, इसलिए किसानों का फसल का दाम कम हो रहा है और ये मुनाफा कमा रहे, जबकि उपभोक्ताओं को भी टायर का दाम में कोई कमी नहीं, वो लगातार बढ़ते जा रहा है। इसके चलते कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया इन कुछ टायर कंपनी जो एक कार्टल जैसे बना ले, एक गुट बना लिए, उनके खिलाफ 1,788 करोड़ का जुर्माना भी लगाया है। हम लोग का मांग है कि ये जो 1,788 करोड़ है वो किसानों का कल्याण के लिए, वो रबर किसानों के लिए वो दिया जाए। ये पर मोदी सरकार पूरा का पूरा इन कॉरपोरेट कंपनियों के लिए काम कर रहे हैं, वो हमारा बात मानने के लिए तैयार नहीं है। एक जो सवाल है जो अभी पिछले दिनों आया कि इम्पोर्ट जो ड्यूटी है वो आपका चाहे सेब पे हो, चाहे लेट से दालों पे है, या फिर अलग अलग अखरोट पे है, बाकी चीज़ों पे है, वो भी घटाया, इस पे आप क्या कहेंगे कि ये तो कहना है ना कि विदेशी सामान हमारा देश में जितना घुसेगा, ये WTO से शुरू हुआ है किसान पर हमला, और विदेशी सामान आके हमारा सस्ता सामान हमारा बाजार कब्जा करेगा, हमारा किसान का सामान बिकेगा नहीं, वो नुकसान होगा। इसलिए तो हम चाहते हैं जब विदेशी सामान पर पहले टैक्स होता था, हैं,
इम्पोर्ट ड्यूटी होता था कि उसका दाम थोड़ा बढ़ जाए, मगर ये सरकार विदेश सरकार के साथ गुलामी करके, अमेरिका का गुलामी करके वो सब टैक्स घटा रहा है। तो विदेशी माल सस्ता में हमारा देश में आएगा तो हमारा किसान और भी मरेगा, इसलिए इसको विदेशी चीज़ों पर इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ाना चाहिए, ये भी हमारा मांग में है। पहले हम लोगों को गवर्नमेंट की तरफ से जो लेफ्ट गवर्नमेंट था, पहले त्रिपुरा में जो लेफ्ट गवर्नमेंट मानी सरकार का जो गवर्नमेंट था, तो उस गवर्नमेंट के समय टाइम पे हम लोगों को स्टाम्प से लेके हर ऑल काइंड्स ऑफ जो सब्सिडीज है तो हम लोगों को पहले दिया जाता था, लेकिन अभी ऐसा आहिस्ता क्या हुआ कि ये सब देना बंद हो गया। तो बंद हो गया इसलिए हम लोग का बहुत दिक्कतें आ रहा है। अभी आपका जो साउथ ईस्टर्न पैक्ट है, एशियन पैक्ट है, इसके बाद रबर का जो रेट है वो बहुत घाटा हो गया। कैसे लिए घाटा हो गया? वो ड्यूटी फ्री रबर आता है मलेशिया, इंडोनेशिया, श्रीलंका से, और जो टायर कंपनीज जो मोनोपोली जो है, ऑल द टायर कंपनीज, दे आर फिक्सिंग द रेट्स, नॉट द मार्केट प्राइस। दे आर व्हाट दे से दे विल टेक। इन अदर कंट्रीज गवर्नमेंट्स आर गिविंग लॉट ऑफ सब्सिडी टू द फार्मर्स, बट इन आवर स्टेट, इन आवर कंट्री, देर इज द सब्सिडी फ्रॉम दिस फॉर दिस। अर्लियर हमारा जो रेट था पर के जी ऑफ रबर शीट्स या 300 रुपीज था, अभी ये घाटा हो के 100 हो गया। इसीलिए इतना दिक्कत आ रहा है हमारा जो फार्मर्स के लिए, वो टिकने भी बहुत मुश्किल है। जब आप रबर बेचते हैं तो कितना रुपये मिलता है? 120 रुपये मिलता है। और उसकी लागत कितनी है, कितना खर्चा? 200 का ऊपर। तो अभी कह रहे 120 रुपये मिलता है, 200 रुपये लगाते हैं। 300 मिलेगा, अच्छा हो जाएगा। अच्छा, रबर बोर्ड को भी खत्म करने की बात है, इसका असर कैसा पड़ेगा? आज नीति आयोग कह रही है कि रबर जो है वो खेती के अंडर नहीं है, वो एक इंडस्ट्री के अंडर आता है, और खेती में जो सब सब्सिडी वगैरह दिया जाता है रबर के किसानों को देने का ज़रूरत नहीं है। 9 लाख से ज़्यादा किसान पूरा देश में इस खेती में लगे हुए हैं। केरल में सबसे ज़्यादा है, 75% है, और त्रिपुरा, तमिलनाडु, आसाम और मिला के अनदर 20% है। ऑल द फार्मर्स आर एंगेज इन रबर प्रोडक्शन, एंड रबर वाज नेचुरल रबर, बट नाउ सिंथेटिक रबर कॉरपोरेट हाउस जो है वो ला रहा है और नेचुरल रबर को ख़त्म करने का साजिश कर रहा है। हमारा मांग है रबर को ऐलान करो कि एक कृषि उत्पादन, एक इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट नहीं, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, ये एक है। दूसरे है इसको 300 रुपया मिनिमम इसका केजी में ये दाम MSP होना चाहिए। और जो स्वतंत्र व्यापार जो समझौता है आसियान देशों के साथ, दक्षिण पूर्वी एशिया के, उनके साथ पहले वाजपेयी के समय में अटल बिहारी वाजपेयी का सरकार वो शुरुआत किया उसको, और मनमोहन सिंह का सरकार उसको लागू किया। हम लोग उसका उसी समय विरोध किया क्योंकि, और केरल में कासरगोड से त्रिवेंद्रम तक 600 किलोमीटर का एक बड़ा मानव श्रृंखला भी उसमें बना, उसके बावजूद कांग्रेस और भाजपा इन नीतियों को लागू कर रहे। वहाँ के जो आसियान देश है उनको प्रति हेक्टेयर 2.5 से 3 लाख का सब्सिडी वहाँ के सरकार देते हैं। यहाँ हमारा सरकार 25,000 मात्र देते थे, वो भी मोदी सरकार पिछले चुनाव के बाद बंद किया है।